नमस्कार, मैं सुखराम बिश्नोई, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार सांचौर जिले वासियों से सादर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ ने आज वक्तव्य जारी करके कहा कि सांचौर जिले सहित दो तीन जो जिले बने हैं उनका कोई जिले बनाने में मापदंड पूरा नहीं किया गया है। वित्त के तरीके से बनाए गए हैं, केवल मात्र लोगों को, नेताओं को राजी करने के लिए बनाए गए हैं। मैं माननीय मदन राठौड़ से निवेदन करना चाहता हूं कि सांचौर जिला जो बना है वो जालौर जो पुराना जिला है उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही इसके दूरस्थ जो सांचौर जिले के गाँव है उनकी दूरी जालौर से 220-230 किलोमीटर पड़ती है। जितने भी जिले 17 बने हैं सबसे दूरी में सांचौर जिला बना है। तमाम मापदंड पूरे किए हैं और जन सुनवाई करके मापदंड पूरे करके जो कमेटी ने राय दी है उसी के बाद जिले बढ़े। भाजपा की जो वर्तमान सरकार है उसकी नीति में खोट है, इसलिए मदन राठौड़ ने इस तरह के वक्तव्य जारी करके एक पहले से ही मतलब कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं, पहले कैसे कह सकते हैं मदन राठौड़ जी कि जिले व्यर्थ बने हैं। लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती है कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, समय की बचत हो, इस बात को ध्यान रख करके जिले बनाए गए। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इससे भी छोटे जिले बने गए हैं। संख्या में कम होते हुए भी जिलों की संख्या ज्यादा है। मेरा तमाम सांचौर जिलावासियों से निवेदन है कि मदन राठौड़ जी ने जो वक्तव्य जारी किया है उसकी हम सभी निंदा करते हैं। आप इस तरह का मैसेज मदन राठौड़ जी को भेजें कि आपका जो वक्तव्य गलत है। मैं मदन राठौड़ जी, मैं भाजपा सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि सांचौर जिला है, जिला रहेगा, इसके साथ किस तरह की छेड़खानी की तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतिम दम तक संघर्ष करके जिले को यथावत रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।